सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। भगवान श्री राम का जन्म हो गया। सभी देवताओं ने सुमन वृष्टि की, सब आनंदित हुए, दर्शन करते कृतार्थ हुए। इधर कौशल्या के कक्ष में जैसे ही श्री राम जी का जन्म हुआ तो वहां बहुत दिव्य प्रकाश था और सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोही क्षणम। पीत वस्त्र, शंख चक्र, गदा, पद्म वनमाला पहन करके भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए। कौशल्या ने कहा कि मुझे तो आप इतने बड़े नहीं चाहिए, मुझे तो छोटे रूप में चाहिए कि जय शिशु लीला, मुझे तो आपकी शिशु की लीला चाहिए क्योंकि मुझे शिशु लीला में परम सुख मिलेगा। इतना सुन करके भगवान श्री राघव छोटे से रूप में आ गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर। इतना सुनकर के भगवान श्री राम छोटे बन गए और रोदन करने लगे, रोने लगे। कक्ष में दासी आई और सभी जिसने भी सुना दौड़ करके चले आए। भगवान ने अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, संत और गौ की रक्षा करने के लिए राम अवतार लेकर के आए हैं। अयोध्या में आनंद हो गया और सब जगह पता चल गया कौशल्या के यहां राम जन्मे हैं। और इधर कैकेयी के भरत हुए हैं, सुमित्रा के लखन और शत्रुघ्न हुए हैं। चार चार पुत्र राम के अंश में अवतार लेकर के अयोध्या में राम के दशरथ जी के आंगन में आ गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। सबको लगा कि ऐसा लगता है कि यहां सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। दशरथ जी का पुत्र प्राप्त हुआ, सभी आनंदित हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे घर में राम आ गए हैं, मेरे घर में एक ईश्वर आ गए हैं, ब्रह्मानंद आ गए हैं। परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलावई बजावं बाजा। दशरथ जी ने कहा बाजे वालों को बुलाओ भाई, नंगाड़े वालों को बुलाओ, सहनाई वालों को बुलाओ, मेरे घर में मंगल आनंद कराओ। सहनाई, शंख, घड़ियाल और ढोल नगाड़े बजने लगे, मांगलिक ध्वनि होने लगी है। महाराज दशरथ आनंदित हो गए हैं। इधर सभी अयोध्या में जिनको भी पता लगा सभी बधाई लेकर के आई और दशरथ जी को राम जन्म की बधाई देने लगे। और मेरी तरफ से भी व्यासपीठ से आप सभी को चार चार भैयाओं का राम जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो यहाँ सुन रहे हैं आप सबको और YouTube फेसबुक पर देख रहे हैं आप सबको, आप सभी को राम जन्म की बहुत बहुत शुभकामना बधाई। आइए मेरे साथ एक जन्म बधाई के साथ, उसके बाद में वाणी को विश्राम देंगे।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।